नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। निजी स्वार्थों की सिद्धि के साथ ही ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की मंशा से जांजगीर के आदिवासी विकास विभाग ने फर्जीवाड़ा करते हुए 30 लाख रुपए के कार्यों का फर्जी टेंडर अवैध रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। सूचना का अधिकार कानून के तहत मामले का खुलासा होने पर विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद भी बात नहीं बनने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी। किन चीजों को लेकर आज प्रदर्शन एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया है, क्या सब हो गया? RTI में प्रिंटिंग के 31 लाख के प्रिंटिंग की जानकारी एक व्यक्ति ने ली, तो उनको जानकारी RTI की तरफ दी गई कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और एक अन्य समाचार पत्र में 30 लाख का टेंडर प्रकाशित किया गया, जिसके बाद उनको अखबार की सर्टिफाइड कॉपी दी गई। वह व्यक्ति जब हमारे पास में पहुंचा तो पता चला कि हमने वैसा कोई टेंडर प्रकाशित ही नहीं किया है। हमने रायपुर के अधिकारियों से बात की कि उनके द्वारा इस प्रकार से किसी अखबार में भेजा गया क्या, तो उस बात से उन्होंने भी इनकार किया, जिसके बाद में अवैध रूप तरीके से समाचार पत्र छापे जाने के खिलाफ में प्रशासन की जानकारी में पूरे मामले को लाया गया। उसके बाद में भी उस उक्त अधिकारी पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आह्वान हमारे द्वारा किया गया था और मांगे नहीं माने जाने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने का आह्वान हमारे द्वारा किया गया। तो आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको स्वामी सुरेंद्रनाथ जी के द्वारा मौन भूख हड़ताल रखकर समर्थन दिया गया। छत्तीसगढ़ सूचना कार्य एसोसिएशन और अन्य विभिन्न संगठन के लोग इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। जिले के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, जिला मुख्यालय के सारे पत्रकार साथी और जो जिले के दूरस्थ इलाकों के पत्रकार साथी, वह सब आज के इस धरना प्रदर्शन पर उपस्थित रहे। जांजगीर से KSN 24 के लिए राम नगारची की रिपोर्ट।